राकेश दुबे, जनपद अयोध्या। आज आपको जीवामृत कैसे बनाया जाता है, इसका क्या उपयोग है, कितने क्षेत्र के लिए ये पर्याप्त होता है, कब कब डाला जाता है, मैं इसके बारे में आप सबको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम 10 लीटर गौमूत्र लेते हैं, 10 किलो गोबर ताज़ा लेते हैं, 1 किलो गुड़ लेते हैं, कड़ा गला गुड़ कैसा भी हो चल जाएगा, 1 किलो बेसन लेते हैं। बेसन में किसी भी दलहन का आटा, मटर है, एक्सा है, मटरा है, चना है, जो भी हो, मसूर है, इन सब का आटा लेते हैं 1 किलो। एक मुट्ठी जंगल की मिट्टी लेते हैं, यानी किसी छायादार स्थान की, बट या वृक्ष पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी हो तो बेटर। इन सब को हम 200 लीटर पानी, इस सब को एक ड्रम में हम डाल देते हैं और घड़ी की दिशा में इसको चलाते हैं। जब तक गोबर ऊपर रहेगा तब तक जीवामृत नहीं बनाता। जब गोबर की जगह ऊपर पानी दिखाई पड़े तो जीवामृत बन गया है, और जब जीवामृत बन गया है तो विदिन 24 घंटे तो बेटर रहेगा कि आप अपने खेत में यूज कर लें, जल के साथ प्रवाहित कर दें खेत में। अगर स्प्रे करना है तो ये 2 एकड़ के लिए हो जाएगा, जल के साथ प्रवाहित करना है 1 एकड़ के लिए हो जाएगा। आइए हम आपको जीवामृत दिखाते हैं। ये एक ढक्कन रखा हुआ है ताकि वायु का संचार बना रहे, ऊपर से धूप न लगे। ऊपर नीम का पेड़ है, देख लीजिए शेड बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, इससे सीधी धूप हमारे जीवामृत तक नहीं आती है। ये ढक्कन हम इसलिए रखते हैं कि चारों तरफ से ओपन रहता है, वायु का संचार बना रहता है। ये है जीवामृत। देखिए पानी आपको ऊपर दिखाई पड़ रहा है, इसको हम घड़ी की दिशा में ये चला रहे हैं। अभी हम चला देंगे, गोबर भी नीचे बैठ गया है, ये गोबर ऊपर आ जाएगा और बढ़िया सा भीनी सी खुशबू आ रही है। ये 1 एकड़ खेत के लिए एक बार में है, स्प्रे करेंगे 2 एकड़ के लिए है। इससे 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं, और हम इस जीवामृत के माध्यम से हम बैक्टीरियों की संख्या को काफ़ी अरबों खरबों पदम संख में ले जाते हैं और इसको खेत में पहुंचाते हैं, और इसी के माध्यम से हमारी सारी खेती डेवलप हो जाती है। ये घड़ी की दिशा है, इस तरह इसको हम चलाते हैं, ये जीवामृत बन गया है। देखिए